हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही धमाकेदार नोटिफिकेशन और एक न्यू अपडेट आया हुआ है। उसी आधिकारिक सूचना के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार की अगर बालिकाएं हैं, अगर आप बिहार की लड़कियां हैं, पढ़ते हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल, लाभदायक होने वाला है। इसलिए और अगर आप देख रहे हैं आपके घर में कोई बेटियां हैं, कोई आपकी बहनें हैं, उनको लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आपको बचपने से लेके इस माँ के गोद से लेके जो है ना ग्रेजुएट तक, बड़ी होने तक जो है ना आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत समय समय पर आपको जो है ना 200, 600, 1000 इस तरह से आपको पैसे मिलते रहते हैं। आज की वीडियो टॉपिक टाइटल के हिसाब से अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको जो कुल राशि मिलेगी, जो आपको वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी, वो 50,000 रुपए की होगी। इसलिए आपको पूरी तरह से इस वीडियो को देखना है, समझना है और आगे का सारा प्रोसेस आपको एक एक करके जो है ना देख के समझ के वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर भी प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको शॉर्ट टाइम में, कम समय में अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कन्या उत्थान योजना 2024 सरकार महिलाओं और कन्याओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के प्रयास हमेशा करती रहती है। समय समय पर सरकार ऐसी स्कीम लेकर आती है जो हमारे देश की बालिकाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली कन्या हैं तो आपके लिए भी सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। आज हम इस वीडियो में इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको कन्या उत्थान योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें 50,000 तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने पर बालिकाओं को ये आर्थिक सहायता राशि मिलती है। राज्य की लगभग 1.5 करोड़ पढ़ने वाली बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा रही है। अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो में नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है। कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पढ़ रही बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत जब ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी कन्या प्राप्त करती है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इस राशि का उपयोग बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा के लिए कर सकती हैं अथवा अपनी निजी जरूरत के लिए कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओं का विकास होता है और उनका भविष्य उज्ज्वल बनता है। माता पिता जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनके लिए ये योजना उनकी बेटियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि के अलावा भी कई अन्य प्रकार से सरकार आर्थिक सहायता राशि देकर कन्याओं को आत्मनिर्भर बना रही है। नीचे टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि सरकार कौन कौन से खर्चे के लिए आर्थिक सहायता राशि दे रही है। सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये, ड्रेस के लिए 1-2 वर्ष की उम्र में 600 रुपये, 3-5 वर्ष की उम्र में 700 रुपये, 6-8 वर्ष की उम्र में 1,000 रुपये, 9-12 वर्ष की उम्र में 1,500 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य में पढ़ रही बालिकाएं जो ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही हैं उनके उत्थान के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी बालिका जो ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करती है उन्हें सरकार द्वारा 50,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। सरकार द्वारा मिलने वाली ये आर्थिक सहायता राशि उनके जन्म से मिलना शुरू हो जाती है, जो उनकी ग्रेजुएट होने तक लगातार मिलती रहती है। राज्य में निवास कर रही 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बालिकाएं और कन्याएं इस योजना का प्रॉपर लाभ उठा रही हैं। सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने और अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी इस योजना के अंतर्गत नगद सहायता राशि देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सरकार ने इस योजना के लिए कुल 300 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। इस योजना की वजह से अब कोई भी परिवार या माता पिता अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि खर्च की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है। इस प्रकार की योजना की वजह से बाल विवाह प्रथा को रोका जा रहा है और कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे बालिकाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर अपना भविष्य उज्ज्वल कर रही हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी जाति, धर्म या उम्र का बंधन नहीं रखा गया है। ये योजना सभी के लिए समान रूप से प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत जब राज्य की बालिकाएं
लाभ लेकर पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे तो इस राज्य का विकास होगा और राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु पात्रता क्या है, क्या योग्यता है? इस योजना का लाभ बिहार के अस्थायी नागरिकों को मिलेगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ गरीब परिवार के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार की दो बेटियां कन्या उत्थान योजना का लाभ ले सकती हैं। कन्या उत्थान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदक कन्या का आधार कार्ड, आवेदक जो बालिका हैं कन्या हैं उनका आधार कार्ड, कन्या के माता पिता, लड़की के माता पिता का आधार कार्ड, कन्या की यानी लड़की की बालिका की बैंक पासबुक, आवेदन करने वाली बालिका की 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आवेदन करने वाली बालिका और उसके माता पिता के मोबाइल नंबर, आवेदन करने वाली बालिका के पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024 में आवेदन कैसे करें, हमने आपको इस वीडियो में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जा रही है, इसे आप फॉलो करें ताकि आवेदन करने में किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो। सबसे पहले आपको बिहार ई कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाना है, ठीक है। ई कल्याण पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जाना है, होम पेज पर ही आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन करने के अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो जानकारी दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद में लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछी जाएगी। जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है वो आपको सही प्रकार से यहाँ पर दर्ज करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। अंत में आपको आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है जिससे आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जो स्टेटस है अप्लाई करने के बाद कैसे चेक करेंगे, अगर आपने ऊपर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन कर दिया है तो आप इसमें आवेदन की स्थिति को, स्टेटस को समय समय पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको ई कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है जहां पर आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर, जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस नंबर को दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये काम पूरा करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति स्टेटस खुलकर आ जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में पेमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करें, सबसे पहले आपको ई कल्याण की पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दो अलग अलग लिंक नजर आएंगे, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर लें। इसके बाद मैं एक नया पेज आपके सामने खुलेगा जहां पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन के सामने क्लिक हियर टू व्यू का विकल्प नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा जहां पर आपको स्टूडेंट का नाम, यूनिवर्सिटी जैसी जानकारी दर्ज कर देना है और व्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इस योजना की पेमेंट इन्फॉर्मेशन से संबंधित जानकारी नजर आने लग जाएगी। कन्या उत्थान योजना की टोल फ्री नंबर, आज इस वीडियो में मैंने आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आप बिहार में जन्मी बालिका हैं तो इस योजना का लाभ आप उठा सकती हैं। इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऊपर वीडियो में दी गई है, इसे ध्यानपूर्वक से देखें। आवेदन करने के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना से संबंधित ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, और ऑफिशियल वेबसाइट और सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप बिहार की बालिका हैं तो आप इसके लिए आवेदन करें, अप्लाई करें और आप मुख्यमंत्री का जो ये स्कीम है इसका फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।